हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुन एपिसोड 11 के प्रीव्यू और रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों, नो डाउट एपिसोड 9 और 10 काफी मजेदार थे और अब इस ड्रामा के केवल 6 ही एपिसोड बाकी है, तो आने वाले ये 6 एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हमें एपिसोड 11 के प्रीव्यू में दिखाया जाता है, ड्रग्स के लेने की वजह से नामिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। गुमजू और बोंगो दोनों ही नामिन के लिए बहुत ही परेशान हो जाएंगे और नामिन को बचाने के लिए गुमजू फिर से कोई टेढ़ी चाल चलने वाली है। उसे हिशिक और नामसुन से एंटीडोट के बारे में पता चलेगा, वो नामिन के लिए भी एक एंटीडोट मंगाने की सोचेगी। इसके लिए वो दो जनों को कांटेक्ट कर सकती है, या तो ऋषियो को या मिस मैरी को। प्रीव्यू में हम गुमजू और मैरी के बीच एक छोटा सा सीन भी देखते हैं, यहाँ पर गुमजू उसके सामने खड़ी थी और एंटीडोट मंगवाने के पीछे गुमजू की बड़ी चाल भी हो सकती है उन दोनों को फंसाने की। प्रीव्यू में हमने ये भी देखा कि हिशिक ने डुगो कंपनी और हेरिटेज क्लब के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, इससे वो अब डुगो कंपनी के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। हिशिक ये सारे सबूत ले जाकर अपने कमिश्नर को दिखाएगा ताकि कमिश्नर उसके टीम को परमिशन दे दे डुगो कंपनी में सर्च करने के लिए, और हो सकता है कि कमिश्नर भी डुगो कंपनी से मिला हुआ होगा। प्रीव्यू में हम ये भी देखते हैं, मिस चेरी को कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उस दिन क्लब में गुमजू के साथ जो लड़का जेम चोई बनकर आया था वो एक डिटेक्टिव है। वो ये बात आकर ऋषियो को भी बता देगी। इन सब मैस के वजह से नामसुन भी बिना बताए ऑफिस नहीं जाएगी, जिसकी वजह से ऋषियो भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। व्यू में हम ये भी देखते हैं कि डोंगसुन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और मरने से पहले वो हिशिक को कॉल करके अपने घर पर बुलाएगा। वो उसे एक ब्राउन डायरी के बारे में भी बताएगा, जिससे शायद हिशिक को कुछ और भी पता चलेगा। आगे प्रीव्यू में हम फ्यूनरल का सीन भी देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि हिशिक हेरिटेज क्लब में आकर जिनशियो को अरेस्ट कर लेगा, पर हिशिक जिसे अरेस्ट कर रहा था उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और वो उसे ये कहता है कि पुलिस वाला सबसे खतरनाक तब होता है जब उस पुलिस वाले ने अपने साथी को खो दिया हो, यानी कि हो सकता है हिशिक डोंगसुक के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, प्रीव्यू में हमें बस यही सब कुछ दिखाया गया है, इसके आगे के एपिसोड 11 और 12 11-12 तारीख को रिलीज होंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को वेट करना होगा और मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो के एक्सप्लेनेशन में।